स्कूल जाओगे, किस में जाओगे स्कूल? डबल डेकर बस में स्कूल जाओगे अब्दुल्ला? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं हूँ तूबा दुरानी और आज भी मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। अभी मेरा, आप ये देख रहे होंगे, अभी मुझे बेड वगैरह भी सही करना है और अब्दुल्ला देख रहा है वैलेंटाइन निकी और साथ में अपने टॉय से खेल रहा है। एक तरफ इसने गाड़ी रखी हुई है और बस अब्दुल्ला को अभी जोश आ रहा है कि अभी स्कूल कब जाएगा और इसको स्कूल का हो रहा है और अब्दुल्ला स्कूल जाएगा अगस्त के बाद, है ना? और हाँ जी, ये मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। कल ये भी लूलू गई थी तो ये मैं लूलू से लेकर आई हूँ स्टोरेज कर गए कटोरे वगैरह, और मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी ना, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा था नहीं सालन वगैरह जब निकालने के लिए या रखने के लिए या सर्व करने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो और आटा रखने के लिए, मैं आटा जब रखा जाए ना फ्रिज में तो बहुत ड्राई होने लगता है, तो कब ऐसा पैक कंटेनर हो तो उसमें ये होता है कि सही रखा जा सकता है। और इसमें मुझे ये मिले हैं, ये बड़ा और इस तरीके से ये दूसरा पीस है, अच्छा मिल गया मुझे 12 धर्म में, सो मैंने ये ले लिया इस तरीके से। परदेश हो या अपना वतन हो, रहना है तो चीज़ें तो चाहिए होती है, ये बात तो है, हम कुछ चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि जहाँ रहते हैं तो थोड़ा बहुत ये कि चीज़ें तो चाहिए ही होती है, क्योंकि कुछ लोग होते कहते नहीं परदेश है, रहना नहीं, क्या करना है, लेकिन ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल में तो भाई ज़रूरी होता है। और ये रहे मेरे डब्बे जो मैंने लूलू से लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी तो मैंने ये डब्बे ले लिए। और एक तरफ ये धुल रहे हैं मेरे कपड़े जो मैक्सिमम धुल चुके हैं, अब इसको फिर ड्राई करूँगी और इसको सुखाऊँगी और फिर इसके साथ खाना बनाऊँगी। खाने में आज सोच रही हूँ कि मैं निहारी बना लूँ ना, तो आज मैं निहारी बनाऊँगी रेटिको, यानी तैयार मसाले की निहारी बनाऊँगी, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ हो गया, एक ही रूम में तो इतना वो नहीं होता है। और बस अब मैं अब्दुल्ला को दलिया खिलाऊंगी, क्योंकि आज अब्दुल्ला दलिया खाएगा, है ना अब्दुल्ला? क्या खाओगे? हाँ, क्योंकि अब्दुल्ला ने रोज़ा खाने पीने वाला रखा है स्कूल जाएगा मेरा बेटा, हाँ ओके हाँ जी, तो अब मैं चढ़ाने लगी हूँ निहारी। मेरे पास एक पाव गोश है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रेडी कुक बनाऊँगी, तो इस तरह ही मैं सब चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। यानी मेरे पास है शान का मसाला और ये तेल वही तेल है जो हमारे पकौड़ों में और उसमें यूज़ होता है, तो मैं ये तेल ही इसी में डालूँगी, क्योंकि एक दफ़ा यूज़ होता है ये पकौड़ों के लिए, फिर मैं इसी में डाल देती हूँ तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं तेल डाल रही हूँ, ऑयल मैंने डाल दिया, अब इसमें मैं गोश्त डालूँगी, ठीक है? ये मैं एक पाव गोश्त का बना रही हूँ, ठीक है? अभी मैं गोश्त फ्राई करूँगी और इसमें अदरक लहसुन डालूँगी, अदरक लहसुन डाल के इसे फ्राई करूँगी। और फिर मैं इसको गलाने के लिए रख देंगे, ठीक है ना? निहारी मसाला डाल के, मैं निहारी मसाला शान का यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं ये शान का निहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? एक्चुअली मैं इस तरह रख लेती हूँ निहारी मसाला डब्बे के अंदर, क्योंकि जगह इतनी है नहीं तो मुझे इस्तेमाल के लिए जो भी मसाले चाहिए होते, और तो मैं इस तरह यूज़ करके और फिर रबर बैंड बांध के रखे थे। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टी स्पून अदरक लहसुन और इसको मैं चढ़ा के थोड़ा पका लूँगी। मेरी ये 1 पाव गोश्त है और 1 पाव गोश्त ये मेरी बोटियाँ बड़ी है रखी हुई है क्योंकि निहारी है और गोश्त की मतलब जो भी भुनावा गोश्त है इस टाइप की जो भी चीज़ें होती है मेरे ख्याल में उसमें बोटियाँ बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छी होती है और बड़ी हो ज़रा मतलब चिकनी बोटी हो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है। ये मैंने इसको भून लिया। मैं इसमें डालने जा रही हूँ शान का मसाला। अच्छा ये शान का मैं इतना ही मसाला डालूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि शान का थोड़ा मसाला यूज़ होगा जब हम आटा भूनते हैं ना तब हम थोड़ा मसाला यूज़ करेंगे। फिर निहारे की जो प्याज प्रगाद की जाएगी उसमें भी हम थोड़ा मसाला मतलब लाल मिर्च यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अभी चलिए इसमें पानी डालती हूँ, इसको गलाने के लिए रखती हूँ। तो चलिए इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और इसे गलने के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। और ये जैसे ही गल जाएगा गोश्त तो फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। गोश्त देखने आई थी कि कितने हद तक मेरा गोश्त पक गया है, गल गया है, क्योंकि निहारी बना रही हूँ और थोड़ा गोश्त का सही गलना ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद हम इसका दूसरा प्रोसीजर करेंगे, भुनेंगे आटे को। तो आटे में मैं कौन कौन सा आटा यूज़ करती हूँ मैं साथ साथ आपको वो भी बताऊँ। हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, अब आइए चलिए दूसरे मरहले की तरफ आते हैं और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने फ्राई पैन रख लिया और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये बेसन। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर बेसन डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर डालूँगी ये गेहूँ का आटा, ठीक है। ये इसके अंदर चला गया और अब हम इसे थोड़ा भुनेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा सा निहारी मसाला डालेंगे। थोड़ा इसे भूनेंगे और भूनने के बाद इसके अंदर साथ ही में थोड़ा सा मैं निहारी मसाला डालूँगी, ठीक है ना। 1/2 टीस्पून जो होता है इस तरह डालूँगी, ठीक है। तो मैं चले निहारी मसाले के लिए चम्मच ले लूँ। ये 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर मसाला डाल दिया, इसे मैं भूनूंगी और भूनने के बाद इसे पानी डालती हूँ और फिर इसको मैं निहारी में डालूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से घोल लिया है, तो मैंने आटा सेका था, अब इसी आटे को ये निहारी में डाल दूंगी। सारा मसाला मैंने सारा वो जो भुना हुआ आटा मैंने डाल दिया है, इसे थोड़ी देर में पकने के लिए छोड़ूंगी, फिर इसके बाद इसमें मैं बेकार डालूंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ जी, तो ये मेरी निहारी तैयार हो गई है। मेरी जो प्याज है मेरे पास तली हुई प्याज है तो मैं वो डाल रही हूँ और फिर इस पर मैं तेल के साथ लाल मिर्च पीसी हुई का वघार डालूंगी। अगर आपके पास प्याज तली हुई नहीं है तो आप जो रेड कलर तली हुई प्याज नहीं है तो सॉरी अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप जो लाल पीसी हुई मिर्च का बिगार डालेंगे फ्राई पैन में, आप उसी के अंदर प्याज को फ्राई करके डाल सकते। तो मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच और फिर ये थोड़ा सा तेल होगा तो फिर हम इसको हमारी निहारी के वकार में डाल देंगे। इतना डालती हूँ बहुत दोनों तेज़ हो जाएगी। इस तरीके से ये हम फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये हो गई है हमारी निहारी तैयार।
मेरे पास अदरक नहीं है तो इसलिए मैं अदरक को गार्निश में यूज़ नहीं कर रही। अगर आप लोगों के पास अदरक ऑलरेडी मौजूद है घर में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया। सो ये है मेरी निहारी आज की ये रेसिपी, रेडी कुक रेसिपी है। और इस तरह की रेसिपी अक्सर औरतें बनाती हैं ताकि जल्दी फारिग हो जाए। तो इस तरह की रेसिपियाँ बनती है। और आई थिंक मेरी तरह हर औरत ज़्यादातर रेडी कुक मसाले ही यूज़ करती है, जैसे शान के हैं, मेहरान के हैं और ऐसी बहुत सी कंपनियों के हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीलॉग, आज की मेरी रूटीन। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए ताकि मुझ में और हिम्मत पैदा हो और अच्छी मैं वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।